नहीं किया, लोग बीजेपी को मुकाबला करने के लिए जाति और धर्म को अलग सर एक रामपुर आर्थिक रूप से विकसित जिलों में से बनेगा ऐसा मैं सर शिक्षा को लेकर सर शिक्षा प्लीज शिक्षा को लेकर एक सवाल है कि 3 अप्रैल 2018 को आपके यहाँ से एक अध्यादेश लागू हुआ था कि प्राइवेट और सीबीएसई स्कूल 20,000 से ज्यादा कोई फीस नहीं ले सकते। आपने सुना है इसके पहले मैंने निर्देश निर्गत किया है कि 20 तारीख तक हमारा राज्यपाल जी ने भी 3 दिन पहले से दस्तखत भी कर दिया है। जो शुल्क नियामक समिति का गठन है अब मंडलायुक्त की जगह पर अब उस समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे और आज ही सारे लोगों को डीआईएस को ये निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एक व्यवहार समिति का सदस्य, एक जो प्रबंध समिति का सदस्य और डीआईएस जो होगा उसका सदस्य सचिव होगा, उसकी कमेटी का गठन 20 सितंबर से पहले कर ले और एक्ट को अपलोड करके जिसको भी शिकायत हो उसके अंतर्गत वो पूरी तरीके से पहली बार ना मानने वाले प्रबंध समिति पे 1,00,000 का जुर्माना, दूसरी बार ना माने तो 5,00,000 का जुर्माना और तीसरी बार ना माने तो उनके सर आज स्कूल की इमारत का हालात। धन्यवाद।